G30। आज हम आपको इसकी ऑपरेटिंग बताएंगे। सबसे पहले आपने न्यू पेशेंट सेलेक्ट करना है। न्यू पेशेंट प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप पेशेंट का नाम लिख सकते हैं, एज लिख सकते हैं। न्यू पेशेंट प्रेस करके आप सेट करेंगे, एंड एग्ज़ाम करेंगे तो पेशेंट की आईडी आपकी जो है ना, ओके करेंगे। यहाँ पे पेशेंट आईडी बन गई है। ये ऊपर पेशेंट की आईडी शो कर रहा है। प्रॉप सेलेक्ट करने के लिए यही कमांड प्रेस करेंगे, और प्रीसेट सेलेक्ट करने के लिए भी यही, प्रॉप के लिए भी यही है और प्रीसेट के लिए भी यही है। यहाँ से आप प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके प्रीसेट सारे आ रहे हैं। अब प्रीसेट सेलेक्ट, सिंगल इमेज के लिए 2D प्रेस करेंगे और डुअल के लिए डुअल। ये डुअल इमेज आ रहे हैं इस पर। अभी आपको स्कैनिंग इमेज चेक करवाता हूँ। ये सिंगल इमेज है। यहाँ पर एक इमेज में किडनी है और दूसरे इमेज में लीवर स्कैन हुआ हुआ है। कलर के लिए CMF है और PW जो है ना डॉपलर के लिए है। अभी PW का इमेज भी आपको चेक करवाता हूँ। PW एक्टिव किया, अपडेट। इसमें ऑटो कैलकुलेशन के लिए पॉइंटर सेट करेंगे। पॉइंटर के साथ ऑटो कैलकुलेशन पे सेट किया, ये इसकी ऑटो कैलकुलेशन आ रही है। जैसे फ्रीज करेंगे, सिंपल मैयर प्रेस करेंगे तो आपकी डिस्टेंस, हार्ट रेट, ये सारी मैयर आपकी आ रही हैं। ये मैनुअली मैयर आ रही है आपकी। इसके ऊपर टैग करने के लिए नोट प्रेस करेंगे। ये आपके लेफ्ट साइड पे आ रहा है। यहाँ से आप पॉइंटर सेलेक्ट करेंगे और आपने सेट जो लिखना है इसके ऊपर सेट करना है। आप इसको जैसे आपने लिखना है किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, तो यहाँ पे आप जस्ट सेट करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ से आप इसको ट्रैक बॉल से मूव करके इसको सेट कर सकते हैं। इमेज सेव करने के लिए आप सेव प्रेस करेंगे तो आपका इमेज सेव हो गया। सेव इमेज निकालने के लिए मेन्यू प्रेस करेंगे तो आपका सेव इमेज आपके लेफ्ट साइड पे स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। प्रिंट के लिए आपको ये प्रिंट की आ रही है। प्रिंट की प्रेस करेंगे तो आपका प्रिंट निकल आएगा।